अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नाज़नीन्स किचन। गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे खीमे के कबाब। ये मैंने 300 ग्राम्स खीमा लिया है, इसको मैंने वॉश करके अच्छे से इसको मिक्सर में ग्राइंड करी हूँ। देख सकते हैं इसको एकदम मैंने एकदम बारीक ग्राइंड करी हूँ। और उसमें इंग्रेडिएंट्स है, ये मैंने 1 ऑनियन चॉप करी हूँ, ये गरम मसाला है होममेड है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये चिली फ्लिक्स है, एक लेमन, और ये भुने हुए चने का पाउडर है जो मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके रखी हूँ। और मैं एक स्पेशल डालूँगी चटनी, जो सूखी लाल मिर्ची लहसुन की मैंने अलग से बना के रखी हूँ। देख सकते हो ये चटनी से बहुत ही अच्छे कबाब में टेस्ट आता है। और ये है कोथमीर, हरा धनिया, और थोड़ा सा हम डालेंगे मस्का जो से एकदम जूसी कबाब बनते। और ये थोड़ा सा है ऑनियंस फ्राई करे हुए। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। गाइस हम अभी आ चुके हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये चॉप्ड ऑनियंस डालूंगी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने से कबाब जो है बहुत ही अच्छे दिखते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी आता है। और ये है भुने हुए चने का पाउडर। ये ऑनियन है फ्राई ऑनियन क्रश करे, मैं जो हाथ से इसको क्रश करके डालूंगी। दो चम्मच में डालूंगी चटनी, देखो 2 चम्मच डाली, और स्वाद अनुसार नमक, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सो मैंने 1 चम्मच लिए। और ये है लास्ट में नींबू का रस। और सबसे मेन मेरा इंग्रेडिएंट है मस्का, मीन्स अमूल बटर। और ये बहुत सारा हम डालेंगे हरा धनिया, बहुत सारा हरा धनिया, और हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हो जाता है। देख सकते हो एकदम अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, कुछ मिनट के लिए। मैंने कुछ मिनट तक रख चुकी हूँ। अब चलो हम बनाएंगे इसको। थोड़ा हाथ पे हम लोग ऑयल लगाएंगे, देख सकते हैं मैंने हाथ पे ऑयल लगाई हूँ। अब ये हम लोग छोटा ऐसा इतना ये लेके इसको अच्छे से गोल करेंगे, फिर 3 फिंगर्स से इसको इस तरह से हम लोग, फिर इसको ऐसी हाथ से बराबर से शेप करेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से बन चुका है ये। दूसरा बना के बताती हूँ। इसे गोल करना है, थ्री फिंगर्स से इसको हम लोग अच्छे से ऐसा प्रेस करेंगे, फिर से गोल गोल शेप देने। ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है ना ज़्यादा पतला बनाना है, मीडियम बनाना है हम लोग को। इसी तरह से हम सब कबाब्स बना देंगे। देख सकते हैं मेरे कबाब्स रेडी है, मैंने इसको बना दी हूँ। अब चलो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं तेल गरम हो गया है, हम लोग फ्राई करेंगे। Yes.
मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे। कमाल जैसे आराम से टर्न करेंगे, दो मिनट लगते हैं, दो या तीन मिनट में ये तो हम लोग पलटेंगे। तो मेरे यम्मी और जूसी कबाब रेडी है, तो मैं इसको प्लेट में सर्व करी हूँ। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो और बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।